हेलो। तो आज का टॉपिक क्या है अपना? आज का टॉपिक है पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। इसको हम लोग दोनों नाम से ही बुलाते हैं। नाम क्या है? आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए पहले हम लोग सीखते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ हमने इसका लिखा है डेफिनेशन क्या है। इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इंटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन दैट इज केटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए हमने इनको शॉर्ट में लिखा है आई आई फॉर आयनाइजेशन एनर्जी एंड आई पी फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सब लोग एक बार पहले डेफिनेशन को रीड कर लो, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए तो ये सबने इसको रीड कर लिया। चलिए अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। तो ध्यान से देखिए, तो क्या बोला है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम रहेगा। सुनिए इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये बच्चे को होता है कंफ्यूजन। देखिए क्या कि हम लोग जो ये आई या फिर आईपी पढ़ेंगे तो वो हम लोग पढ़ते हैं फॉर मेटल्स फॉर नॉन मेटल्स ऑल्सो। लेकिन देखिए यहाँ क्या मेंशन है, यहाँ मेरे को ये जो हमने डेफिनेशन देखा वहाँ क्या मेंशन है, वहाँ पे मेंशन है गैसियस एटम। तो बच्चे को होता है ये कंफ्यूजन कि हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर मेटल लेकिन हम यहाँ पे हम लोग डिफाइन किए हैं फॉर गैसियस एटम। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग गैसियस फेज में ही आईई फाइंड करते हैं। तो इसका एक बहुत ही अच्छा रीजन होता है, वो क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए देखिए भले ही आपको फाइंड करना है आईई फॉर मेटल, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास ये एक्स कोई एक एटम था किसी मेटल का और आपको इसका फाइंड करना है आई। तो हम लोग जो जब भी हम लोग इसका आई या फिर आईपी फाइंड करने जाते हैं ना, तो हम इसके ना तो सॉलिड स्टेट में करते हैं डिफाइन आई और ना ही इसके लिक्विड स्टेट में करते हैं डिफाइन आई। हमेशा हम लोग करते हैं गैसियस स्टेट में, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इन गैसियस स्टेट देखिए क्या होता है कि हमारे पास अगर क्या कुछ अगर ऐसा कोई भी एक मेटल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उस सैंपल में सिर्फ एक ही एटम हो। उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? उनमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, यही ना पक्का। अब देखिए अब हमको ये पता है कि अगर वो मेरा सब्सटेंस गैसियस फेज में है तब क्या होता है कि उनके एटम के बीच का सेपरेशन क्या होता है, उनके एटम के बीच का सेपरेशन होता है मैक्सिमम इन गैसियस फेज। अब देखिए क्या होगा कि अगर गैसियस फेज का हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है कि वो जो मेरा सब्सटेंस था उसमें क्या आता है, बहुत सारे एटम थे तो उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, उनके बीच का सेपरेशन होगा मैक्सिमम, उनके बीच का सेपरेशन होगा मैक्सिमम। तो अगर उनके बीच का सेपरेशन है मैक्सिमम मतलब कि उनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा ना वो हो जाएगा मिनिमम। क्या हो जाएगा? उनके बीच का इंटरेक्शन हो जाएगा मिनिमम। और तब आप किसी भी एक एटम को आप बोल सकते हो कि क्या था, ये अकेला टाइप का था। देखिए ये अकेला गैसियस फेज में भी नहीं है मेरा कोई भी एटम, लेकिन क्या है सेपरेशन सबसे ज्यादा है इन गैसियस स्टेट। तो आप लोग ये मान सकते हो कि इन गैसियस फेज दो एटम के बीच का इंटरेक्शन क्या है, मिनिमम है। क्या है? इंटरेक्शन मिनिमम है, क्योंकि आपका ये जो आईई और ये जो आईपी होता है ना वो आपके आसपास कितने एटम्स सराउंडेड है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर मेरे किसी स्टेट में क्या है कि अगर हमको इस मान लीजिए कि हमको इस एक्स एटम का फाइंड करना है आई और क्या हो, और अगर इस सब्सटेंस में क्या हो कि इसके करीब और भी बहुत सारे एटम हो, और भी क्या हो बहुत सारे एटम हो, तो क्या होगा फिर इनका भी क्या होगा इसके ऊपर इंटरेक्शन आ जाता है। तो फिर इसका एग्जैक्ट में आई क्या है या फिर आईपी क्या है वो आपको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आपको अब इस सेंटर वाले एक्स एटम से अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको निकालना है बोलिए क्या इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होगा कि आपको अब जो सप्लाई करना होगा एनर्जी वो आपका वैरी कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके आसपास वाले एटम थे उनका भी इफेक्ट आएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग फाइंड करते हैं वी मेजर आई या फिर आई पी इन गैसियस फेज, क्योंकि वहां पे आप मान सकते हो कि जो और जो एटम थे उनका इंटरेक्शन बहुत ही
क्या था, कम था, या आप उसको नेग्लेजिबल मान सकते हैं पक्का। तो इसलिए हम लोग मेटल के लिए या नॉन मेटल के लिए हम लोग उसको गैसियस फेज में ही डिफाइंड करते हैं। अब हम लोग आते हैं फिर से अपने बात पे, ठीक है। चलिए, तो ये हमने सीख लिया कि क्यों हम लोग गैसियस स्टेट में डिफाइन करते हैं और इसका क्या होता है, डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए, यहाँ पे हमने लिया है एक एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ हमने शो किया है फ्रॉम इक्वेशन। तो देखिए, एक्स क्या है, एक्स मेरा एक कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम था। देखिए, ये मेटल का भी हो सकता है, ठीक है ना। और देखिए, आई क्या है, आई स्टैंड फॉर आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब कि इस गैसियस आइसोलेटेड एटम में हमने इतना एनर्जी सप्लाई किया इक्वल टू आई, तब देखिए क्या हो गया कि ये जो मेरा गैसियस आइसोलेटेड एटम था ये हो गया चेंज इन केटायन। देखिए, यहाँ पे एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस इज द केटायन, और यहाँ से एक निकला है इलेक्ट्रॉन, समझे ना। तो यही कि इस गैसियस आइसोलेटेड एटम को क्या कि आपका उसके न्यूट्रल स्टेट से केटायन में चेंज करने के लिए आपको जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, पक्का। अब देखिए, ये जो हमने यहाँ से निकाला है, क्या हमने यहाँ से निकाला है इलेक्ट्रॉन किससे, ये जो मेरा एक्स जो मेरा गैसियस न्यूट्रल एटम था ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ये मोस्टली इस एक्स जो मेरा एटम था उसके आउटर मोस्ट सेल से ही निकलता है, ठीक है ना। वेरी गुड। अब देखिए, नेक्स्ट हमने बोला है कि ये जो आई ई है या फिर आई पी है, ये होता है मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। कैसे होता है मेजर, ये होता है मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, लेकिन इसका एसआई यूनिट होता है, वो होता है आपका किलो जूल पर मोल। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपके पास अगर ये कोई सैंपल है तो उसमें क्या है कि उसमें बहुत सारे एटम होते हैं, तो हर एटम का वो करना मेजर उतना आसानी नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग मोल में करते हैं, एक साथ बहुत सारे ग्रुप का करते हैं मेजर, तो इसलिए इसका एसआई यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, पक्का ना। तो ये हो गया आपका बेसिक स्टोरी ऑन द आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। इस पर हम लोग और भी बातें करेंगे कैसे वेरी करता है ग्रुप में और पीरियड में, पहले आपको ये बात समझ में आया ना। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स की। ये जो मेरा आईपी या आई है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो देखिए फिर से दो फैक्टर आया, कौन कौन सा, एटॉमिक साइज और सेकेंड आपका आया है न्यूक्लियर चार्ज। और हमने लिखा है कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, और नेक्स्ट हमने बोला है फैक्टर जो कि क्या कि आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। देखिए ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, चलिए तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे हमने ये ट्रेंड ये हमने कैसे लिखा है फैक्टर्स वाला, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक एटम था और उस एटम का ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, और उसके आसपास ये मेरा सेल है, मान लेते हैं हम ये हमने सेल है पक्का, और ये इसका वैलेंस सेल है और वैलेंस सेल में एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ आईपी या आई, वो क्या होता है कि आपको ये जो आपका क्या इलेक्ट्रॉन है, यही ना, कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव करने के लिए, मतलब इसको यहाँ से हटाने के लिए आपको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब सभी आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या कि ये जो मेरा न्यूक्लियस इस पे जितना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, इस पे जितना ज़्यादा फोर्स बोलिए लगाएगा उतना इसको मुश्किल होगा यहाँ से रिमूव करना, पक्का। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा इस बोलिए उतना ज़्यादा मुश्किल होगा ये जो मेरा आउटर मोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना, और जितना मुश्किल होगा मतलब कि मेरे को उतना ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना होगा, मतलब कि उतना ज़्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल होने वाला है पक्का, मतलब जितना मुश्किल उतना ज़्यादा आईपी, पक्का, यही ना। अब देखिए, हेलो, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था एक्चुअल में, ये जो हमने ये ट्रेंड लिखा था ना, तो इसमें आई पी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज एंड आई सॉरी हाँ ये होगा ट्रेंड। देखिए ये आपका सही है कि आई पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज एंड आई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था लास्ट, ठीक है। तो देखिए, तो हमने हमने क्या सीखा कि जितना ज़्यादा क्या होगा इस पे फोर्स होगा उतना मुश्किल होगा इसको यहाँ से हटाना, मतलब कि उतना ज़्यादा होने वाला है आई। अब देखिए, अब क्या होगा कि साइज एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा, मतलब कि ये जो मेरा आउटर मोस्ट सेल वाला क्या है अब इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स क्या होगा, उस पे फोर्स उतना कम होगा, तो एटॉमिक साइज ज़्यादा
एटॉमिक साइज ज़्यादा तो फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा कम। तो अगर फोर्स कम है मतलब क्या कि मेरे को, अगर क्या है कि फोर्स कम है तो मेरे को कम सप्लाई करना होगा और ये एनर्जी मतलब कि आई भी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, समझे ना पक्का। तो क्या कि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज, आप ये बात याद रखना। अब चलिए बता आते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्टर में। देखिए नेक्स्ट फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये फिर से क्या था, सेल था, और ये रहा मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये हमने यहाँ रखा है। अब देखिए क्या होगा कि न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा, क्या होगा न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा, किस पे, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा आउटर मोस्ट बोलिए इलेक्ट्रॉन पे, मतलब कि उतना मुश्किल होगा इस आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटाना। तो जितना मुश्किल होगा उतना हमको एनर्जी सप्लाई करना होगा, मतलब कि उतना ज़्यादा उसका आईपी या फिर आई हो जाएगा, मतलब कि अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, तो ज़्यादा मुश्किल होगा तो ज़्यादा एनर्जी, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आपका आईपी बढ़ जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं, कैसे किया डिपेंड आपको समझ में आया ना, आप इसको लिख लो। चलिए तो ये अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ट्रेंड का। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है डाउन द ग्रुप। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स के हिसाब से कि मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज सो आईपी, सो इट सपोर्ट्स क्या, इट सपोर्ट्स डिक्रीज इन आईपी, जो हमने लास्ट अभी जस्ट क्या सीखा है कि आईपी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो ये क्या चाहेगा, तो ये चाहेगा कि आपका आईपी क्या हो जाए, आईपी आपका डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये आपका होगा पहला फैक्टर, मेरा चाह रहा है कि आईपी डिक्रीज कर जाए। तब आते हैं हम लोग सेकेंड फैक्टर में। तो देखिए देखिए मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये क्या जाता है, इट सपोर्ट्स इंक्रीज इन आईपी। मतलब देखिए एक फैक्टर क्या चाहता है कि हम आईपी को डिक्रीज कर दें, और एक फैक्टर क्या चाहता है कि हम आईपी को इंक्रीज कर दें। तब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया इन दोनों के बीच में मारपीट। अब तो अब कौन सा फैक्टर जीतेगा, जो ज़्यादा बोलिए ताकतवर होगा पक्का ना, और फैसला उसी के तरफ जाएगा, हमेशा ये होता है ना, वेरी गुड। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इन दिस केस फैक्टर्स ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डोमिनेट्स ओवर ओवर द फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड ओवरऑल, देखिए तो हम बात करें ओवरऑल फैक्टर ऑफ इंक्रीज इन साइज डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड सो आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मतलब कि आप किसी ग्रुप में जब जाते हो टॉप से बॉटम, तो आपका क्या होगा, आपका आईपी डिक्रीज करेगा, ये ट्रेंड हुआ। ओके तो यहाँ हमने लिया है कुछ एग्जांपल। देखिए तो हमने सबसे पहले लिया है ग्रुप वन का, तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और कैसियम। देखिए यहाँ पे हमने फ्रेंसियम नहीं लिया है, यहाँ पे हमने इस ग्रुप में फ्रेंसियम नहीं लिया है बिकॉज फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव, फ्रेंसियम इज रेडियो एक्टिव, तो आप उसके बारे में चर्चा आईपी को और आईयू को लेकर सियोरली आप कुछ बोल नहीं सकते हो इसी, ठीक है ना। तो इसलिए हमने केसीएम तक ही बात किया है। तो देखिए तो क्या था ट्रेंड की डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज भी लिया है कि हाइड्रोजन का आईपी होता है 1312 किलो जूल पर मोल, और केसीएम का होता है 375 किलो जूल पर मोल, और इसके जो बीच में थे उनका ऐसे डिक्रीज करता है, ठीक है ना। आपको वैल्यू याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप ट्रेंड याद रखना, ठीक है। अब देखिए ये जो आईपी होता है ना, इसको हम लोग करते हैं मेजर इन पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या होता है हमने वहाँ पे एनर्जी सप्लाई किया है, तो इसलिए इसका वैल्यू हम लोग करते हैं मेजर पॉजिटिव, ठीक है। चलिए हमने एक और लिया एग्जाम्पल, हमने लिया है ग्रुप 17 का, तो फ्लोरीन और बोले क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, तो यहाँ भी क्या होगा डाउन द ग्रुप आईपी डिक्रीजेज पक्का। इस जो आपका ये जो एफ है इसका होता है आपका 1681 किलो जूल पर मोल, और जो आपका ये है आयोडीन उसका होता है 1008 किलो जूल पर मोल। आपको वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ये ट्रेंड याद रखना पक्का। ओके तो ये सबने समझ लिया अच्छे से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। तो ये हमने लिया है सेकेंड ट्रेंड जो कि आपका है अक्रॉस द
पीरियड। तो देखिए हमने क्या लिखा कि मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज सो इट सपोर्ट्स इंक्रीज इन आईपी। मतलब कि जो पहला फैक्टर है वो कर रहा है सपोर्ट कि आईपी इंक्रीज कर जाए लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, पक्का। अब चलिए आते हैं सेकेंड फैक्टर में। तो देखिए वो क्या चाह, वो चाहे कि मूविंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज सो इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंक्रीज इन आईपी। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों फैक्टर्स इंक्रीज ही चाहता है, तो मतलब यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा। तो मतलब कि जो आपका जो क्या था कि ओवरऑल आईपी इंक्रीज ही करेगा मूविंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, याद रहेगा पक्का। बोलिए तो क्या होगा कि ओवरऑल अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट आईपी क्या होगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा पक्का, याद रहेगा ये। मतलब कि टॉप टू डाउन इन अ ग्रुप आईपी डिक्रीजेज लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड आईपी इंक्रीजेज क्यों करता है, हमने फैक्टर्स भी देख लिया। चलिए अब बात देखते हैं कुछ एग्जांपल्स का, ठीक है। चलिए तो यहाँ हमने लिया है देखिए हमने यहाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल। तो हमने क्या सीखा कि लेफ्ट टू राइट आईपी क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए, होता है क्या होता है, आईपी इंक्रीजेज क्या होगा, आईपी इंक्रीजेज मतलब क्या कि लिथियम का सबसे कम होगा आईपी, फिर किसका होगा, फिर होगा आपका बोलिए बेरिलियम का, और फिर आपका हो जाएगा बोरॉन का, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर बोलिए फ्लोरीन का, और सबसे ज़्यादा होगा किसका, नियॉन का। मतलब कि इन पीरियड टू लिथियम हैज लीस्ट आईपी, लिथियम हैज लीस्ट आईपी एंड नियोन हैज हाईएस्ट आईपी, यही ना पक्का। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ गंडगोल है, यहाँ पे कुछ गंडगोल देखिए क्या है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे बिना एक्सेप्शन का अपना कोई काम होता ही नहीं है। तो देखिए आ गया पहले चैप्टर में, ये आया आपका एक्सेप्शन। देखिए क्या होता है, हमने क्या सीखा कि मूविंग अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेज, ठीक है करता है। लेकिन देखिए तो ये जो आपका है ना ट्रेंड, ये सेकेंड ग्रुप के लिए, ये सेकेंड ग्रुप के लिए, और फिर आपका 15th ग्रुप के लिए, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेंड आपका यहाँ पे भटक जाता है। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे स्टार मार्क दिया है, देखिए हमने यहाँ इन दोनों पे स्टार मार्क दिया है। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड लिथियम का सबसे होना चाहिए कम आईपी, होता है, चलिए ठीक है। उसके बाद होना चाहिए किसका बोलिए, उसके बाद होना चाहिए किसका, बेरिलियम का, और बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए किसका, बोरॉन का। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड आपका थोड़ा सा बिगड़ जाता है। मतलब देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है आपका क्या कि आईपी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन बोरॉन, ये आपका ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा ये बिगड़ता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टार्ट मार्क दिया। देखिए फिर हम चले आगे, तो अब कौन आ गया, तो अब आ गया कार्बन, ठीक है इसका होता है ज़्यादा। देखिए क्या अब क्या कि अब नेक्स्ट होना चाहिए किसका, एन का ना, मतलब कि अगर हम ट्रेंड से जाएं तो आईपी ऑफ ऑक्सीजन शुड बी मोर देन ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है देन ऑक्सीजन, और फिर आपका ट्रेंड बाकी वैसे ही चलता है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई, मतलब यहाँ पे ट्रेंड कहाँ पे खराब हुआ है, सेकेंड ग्रुप के लिए और 15th ग्रुप के लिए। देखिए ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, ये आपका हुआ एक्चुअल में जो ट्रेंड होता है आईपी का, दिस इज एक्चुअल ट्रेंड। तो ये आप लोग याद रखना कि क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट हम जब जाते हैं कहाँ पे किसी पीरियड में, तो आईपी इंक्रीज करता है, लेकिन सेकेंड ग्रुप वाले और 15th ग्रुप वाले थोड़ा सा ये फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको आप एक बार ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब वो क्यों नहीं करते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखना पक्का, ओके। तो देखिए ये हुआ आपका एक्चुअल ट्रेंड। तो क्या होगा, लीस्ट तो ठीक है, लीस्ट होगा किसका, लिथियम का, और यहाँ पे तो होगा नियोन होगा ना, और मोस्ट होगा किसका, नियोन का। लेकिन ये बीच में ये ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे आपका ये चेंज हो गया है, याद रहेगा। अब सुनिए क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है, रीजन क्यों ऐसा हुआ कि ग्रुप 2 वाले और ग्रुप 15 वाले ने इसको फॉलो नहीं किया। तो देखिए क्या होता है, रीजन रीजन इज ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप जाओगे क्लास
11 में, और वहाँ पे आपका जो ये जो है ना टॉपिक कौन सा, ये कॉन्फ़िगरेशन वाला ना, वहाँ आपको थोड़ा सा और डीपली स्टडी करना होता है, तो वहाँ पे आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि क्यों हमने बोला कि ग्रुप सेकेंड टू वाले और ग्रुप 15 वाले ये ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका मतलब क्या, वो आपको क्लास 11 में और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप इसको बस याद, इतना ध्यान रखना कि ये आपका होता है ऐसा, पक्का ना? चलिए वेरी गुड, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, और जो यहाँ पे गया था, जो यहाँ पे एक्सेप्शन था, आप उसको मार्क भी कर लेना। देखिए नेक्स्ट हमने लिया है थर्ड पीरियड, ठीक है ना? तो देखिए तो फिर से क्या होगा, फिर से ग्रुप टू में और कहाँ पे, ग्रुप 15 में, ग्रुप टू में और ग्रुप 15 में फिर से क्या ना, फिर से एक्सेप्शन आने वाला है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि सब लोग इस ग्रुप 3 के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब लोग आईपी लिखिए, सब लोग इस वीडियो को पॉज करो और खुद से लिखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आईपी फॉर थर्ड पीरियड। उसके बाद में आप फिर से, जब आप खुद से कर लेना, तो आंसर चेक करने के लिए वीडियो देखना। ओके चलो, तो सबने सॉल्व किया ना? चलिए तो हमने लिखते हैं, तो हम क्या सीखे हैं कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेस, लेकिन दो था आपका, दो यहाँ पे क्या है, दो इज ग्रुप टू और ग्रुप 15 वाले क्या हैं, वो हैं एक्सेप्शन। तो चलिए लिखते हैं, तो सबसे पहले सोडियम, कोई कष्ट नहीं, इसका सबसे कम होगा। फिर बोलिए, अब देखिए तब कौन आएगा, अब ये नहीं आएगा, मैग्नीशियम नहीं आएगा, अब कौन सा होगा, अब आपका हो जाएगा नेक्स्ट वाला, हो जाएगा एल्यूमिनियम, और उससे ज़्यादा होगा किसका, मैग्नीशियम का, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रेंड चेंज किया था, पक्का ये हो गया। देखिए फिर कौन आ गया, फिर आपका आ गया सिलिकन। अब क्या कि अब फास्फोरस आना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक बोलिए कॉन्फ़िगरेशन, कौन आ जाएगा सल्फर, और उसके बाद आपका आएगा, अब आएगा फास्फोरस, और उसके बाद आपका ट्रेंड सेम ही रहेगा, समझे? तो ये आपका रह हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, पक्का याद रहेगा ना? चलिए वेरी गुड, आप इसको इसको नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये कि इन पीरियोडिक टेबल विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आई, तो आंसर इसका होता है हीलियम। क्या होता है आंसर, हीलियम हैज द हाईएस्ट आईपी और आई। देखिए क्यों, देखिए तो हमने क्या सीखा कि ट्रेंड से क्या होता है कि आप जब जाते हो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है आईपी, क्या होता है आईपी इंक्रीजेज, एंड टॉप टू बॉटम क्या होता है आपका इन अ ग्रुप आईपी करता है डिक्रीज, मतलब कि आईपी सबसे ज्यादा किसका होगा, जो राइट साइड में सबसे टॉप पे होगा, जो राइट साइड में सबसे टॉप पे होगा, तो कौन है, देखिए वो आपका है हीलियम। सो हीलियम हैज हाईएस्ट आईपी, और उसका वैल्यू होता है 2372 किलो जूल पर मोल, पक्का वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है? अच्छा, हमने जो अभी आईपी सीखा, तो वहां हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आईपी क्या होता है, आईपी करता है इंक्रीज, और टॉप टू डाउन क्या होता है आपका, आईपी करता है इंक्रीज, यही ना, पक्का? मतलब कि हम ये बात बोल सकते हैं कि वैसे एलिमेंट जो कि कहाँ है, जो कि इस टेबल में लेफ्ट साइड में कहाँ है, जो कि इस टेबल में लेफ्ट साइड में है, उनका क्या होगा, उनका आईपी लो होगा, क्या होगा, उनका आईपी लो होगा, मतलब कि वो इजली केटायन फॉर्म कर सकते हैं, वो इजली केटायन फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि वो होते हैं मेटल्स, और जो इजली केटायन फॉर्म करते हैं वो होते हैं मेटल्स, मतलब क्या कि मेटल्स हैज लो आईपी, ये आप पॉइंट याद कर लेना कि मेटल्स हैज लो आईपी, पक्का क्या होता है, मेटल्स का लो होता है आईपी, और वही जो आपके इस कहाँ है, जो इस कहाँ है, जो इस टेबल के राइट साइड में, उनका क्या होता है, उनका आईपी हाई होता है, तो मतलब कि वो इजिली केटायन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, पक्का ना? और ये होते हैं कौन से, ये होते हैं नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स हैज हाई आईपी, पक्का ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना, मतलब कि मेटल्स हैव लो आईपी तो इजिली केटायन फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल्स हैव हाई आईपी तो वो इजिली केटायन फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए अब देखिए, तो अपना नेक्स्ट क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको शॉर्ट में हम लोग ईए भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। देखिए जो लास्ट हमने आईपीसी का था वहां पे था अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, यहाँ पे है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। वाइल अ न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इंटू निगेटिवली चार्ज अनायन, मतलब देखिए वहां हमने फॉर्म किया था केटायन, तो हमने जो एनर्जी सप्लाई किया था वो था आईपी, यहाँ हम फॉर्म कर रहे हैं एनायन, तो जो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और देखिए तो हमने फिर से क्या लिया, हमने फिर से जो एटम का स्टेट लिया है वो हमने गैसियस लिया है ड्यू टू सेम रीजन जो हमने लास्ट केस में सीखा था, पक्का ना, वेरी गुड। चलिए तो ये होगा इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर से देखिए क्या कि इट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसका एसआई यूनिट होता है किलो जूल पर मोल, और इसका वैल्यू होता है नेगेटिव, आईपी है जो पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि वहां हमने एनर्जी सप्लाई किया था, एंड यहाँ पे क्या हुआ ये जो ईए है इसका वैल्यू होता है नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है। तो ये हमने इसका सीखा डेफिनेशन वगैरह, अब फिर से हमको वही सीखना है कि इसका फैक्टर वेरी ट्रेंड वगैरह, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। चलिए तो ये हमने लिखा है फैक्टर्स, तो यहाँ पे क्या है कि ईए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज एंड ईए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, पक्का ना। देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये रहा मेरा न्यूक्लियस और ये रहा मेरा सेल। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे हमको गेन करना है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा कि मान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो कहाँ होगा, तो हाँ तो आएगा इन कौन सा सेल, वो हमेशा आता है इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि एटॉमिक साइज जितना क्या होगा कम होगा, तो अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो यहाँ क्या होगा कि इस सेल में क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है ज्यादा, मतलब क्या होगा ये ज्यादा इजिली क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा किसको, ये ज्यादा इजिली करेगा अट्रैक्ट किसको, बोलिए इलेक्ट्रॉन को, और जितना ज्यादा इजिली वो अट्रैक्ट कर सकता है उतना ज्यादा उसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब क्या कि अगर साइज कम तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो उसका ईए ज्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, क्या होगा कि न्यूक्लियस में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वो फोर्स से उसको जो क्या था जो इनकमिंग जो क्या था इलेक्ट्रॉन था उसको उतना ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा। देखिए लास्ट केस इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन करेगा और लास्ट केस में हमने उसको वहां से निकाला था, तो आप लॉजिकली सोचो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, पक्का ना। तो ये हो गया दो फैक्टर, अब हम लोग इसका सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है। देखिए तो ये हमने लिया है ट्रेंड में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो देखिए सारा कहानी वैसे ही सेम ही चलते आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा फास्ट होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है ट्रेंड में कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेज इट सपोर्ट्स डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सेकेंड क्या था फैक्टर कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज इट सपोर्ट्स इंक्रीज इन ईए, तो एक चाहता है डिक्रीज करना एक चाहता है इंक्रीज करना, तो फिर से जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वही होगा फैसला। तो देखिए क्या होता है फिर से कि ओवरऑल फैक्टर ऑफ एटॉमिक साइज डोमिनेट्स एंड ये डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, मतलब कि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है आपका एफिनिटी डिक्रीज करता है, आप इसको याद रखना। चलिए तो यहाँ हमने लिया है एक आपका एग्जांपल, यहाँ हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिए हैं, तो हमने क्या सीखा कि डाउन द ग्रुप ये क्या होता है ये करता है डिक्रीज। तो देखिए हमने यहाँ पे तीन का वैल्यू जो लिखा, हमने लिखा है कि देखिए हाइड्रोजन का है -72.8, ये आपका है सब चीज हमने जो लिखा है वैल्यू आपका है किलो जूल पर मोल में, लिथियम का है -59.8 और सोडियम का है -53.1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है ये कर रहा है डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब देखिए क्या होता है कि कुछ बच्चे को यहाँ पे डाउट होता है कि वो बोलते हैं कि -53.1 इज मोर देन -59.8, क्योंकि वो बोलते हैं कि यही ना जो आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स जानते हो, लेकिन देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है सिर्फ वैल्यूज पे, यहाँ पे आपको माइनस साइन पे ध्यान नहीं देना है, माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे रिलीज हो रहा है एनर्जी, बस आपको वैल्यू चेक करना है। तो देखिए क्या है 72.8 इज मोर देन सॉरी इज हाँ मोर देन 59.8 एंड 59.8 इज मोर देन 53.1, मतलब कि हाइड्रोजन हैज मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, समझ में आया ना। तो आपको यहाँ पे साइन से कंपेयर नहीं करना है, साइन बस ये बता रहा है कि वहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है, ठीक है ओके।
चलिए, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लिया है अक्रॉस द पीरियड, तो हमने अब हम सीधे बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, कि कैसा कैसे करता है वेरी, क्योंकि अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, हमने लिखा कि अक्रॉस द पीरियड, ये क्या होता है आपका, इंक्रीज करता है जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो। आपको इसमें नोबल गैस को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब कि ई ए आर नॉट डिफाइंड फॉर किसके लिए, नोबल गैसेज या फिर आप जो बोलते हो इनर्ट गैस, क्योंकि वो गेन नहीं करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनके लिए ये डिफाइंड वगैरह नहीं होता है, ठीक है। और देखिए, और जो ये हमने जो अभी क्या सीखा, जो हमने ट्रेंड सीखा है कि अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीजेज, फिर से उसमें ग्रुप 2 वाले और ग्रुप 15 वाले नहीं आएंगे, मतलब कि ये जो आपका ट्रेंड है उसमें आपको ग्रुप 2 वाले, ग्रुप 15 वाले और जो आपके ग्रुप 18 वाले जो भी क्या है आपके जो नोबल गैस है, आपको उनको हटा देना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि हम अगर बात कर रहे हैं ग्रुप 2 का, सॉरी हम बात कर रहे हैं पीरियड 2 का पक्का, तो हमने क्या सीखा, ईए इंक्रीजेज, हमने क्या सीखा, हमने सीखा ईए इंक्रीजेज पक्का ना। लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका ये नहीं आएगा, बेरिलियम नहीं आएगा, हम ये आपका नाइट्रोजन ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा, और आपका ये जो नियॉन है वो ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा। तो क्या होना चाहिए कि ट्रेंड के हिसाब से बी शुड हैव मोर ये देन लिथियम, लेकिन होता नहीं है उसका, बी का कम होता है लिथियम से, क्या ये, क्योंकि वो ड्यू टू स्टेबल कॉन्फिगरेशन वो गेन नहीं करता इलेक्ट्रॉन, पक्का ना, बोलिए। लेकिन फिर से क्या होगा कि इन पीरियड 2 आपका लिथियम हैज लीस्ट ईए एंड एफ, किसका, फ्लोरीन हैज मोस्ट ईए, याद रहेगा, ओके। सिमिलरली इन पीरियड 3 सोडियम हैज लीस्ट ईए एंड सीएल हैज मोस्ट ईए, पक्का ना। और फिर से आपका ये मैग्नीशियम और ये आपका फास्फोरस, इस और ये आपका जो आएगा आर्गन, ये इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, पक्का, ओके। चलिए, ये सब बातें आपको याद रहेंगी। अब देखिए, तो यहां से हमने क्या देखा कि मेटल्स हैज लो ईए, नॉन मेटल्स हैज हाई ईए, यही ना, मेटल्स हैज लो ईए, नॉन मेटल्स हैज हाई ईए। तब देखिए क्या होता है कि जिनका ईए क्या होता है, लो होता है, वो इजिली एनायन फॉर्म नहीं करते हैं, और जिनका ईए हाई होता है वो इजिली फॉर्म एनायन, नहीं बोलोगे, वो इजिली फॉर्म एनायन। देखिए, जो लास्ट में हमने क्या सीखा था, लास्ट में हमने सीखा था आईई, जिनका आईई या फिर आईपी लो होता है वो इजिली लूज करते हैं बोलिए इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फॉर्म करते हैं केटायन। तो मतलब कि टू फॉर्म केटायन वी नीड लो आईई या लो आईपी, लेकिन टू फॉर्म एनायन वी नीड हाई ईए। इसलिए जो आपके मेटल्स होते हैं वो इजिली फॉर्म करते हैं केटायन, और जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो फॉर्म करते हैं इजिली एनायन। ये बातें आप लोग याद रखना, ये बातें अच्छी अच्छी बातें इंपॉर्टेंट हैं, पक्का, ओके। तो ये हमने सीख लिया ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस पर कुछ बातें और करते हैं, फिर हम लोग ये जो आपका टॉपिक है वो हम लोग खत्म करेंगे। देखिए, नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लिया है कि विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हमने क्या सीखा फ्रॉम ट्रेंड, कि क्या होता है कि लेफ्ट टू राइट ये क्या होता है, लेफ्ट टू राइट ये करता है इंक्रीज, और टॉप टू डाउन क्या होता है, ये करता है डिक्रीज। और आपको ये लास्ट वाला जो है ग्रुप, ये आपको नहीं लेना है, मतलब ग्रुप 18 आपको नहीं लेना है, ये होता है फ्रॉम अप टू ग्रुप 17 ना, पक्का, ठीक है, ये होता है अप टू ग्रुप 17। आप ध्यान से देखिए, तो हम अगर इस ट्रेन से जाएं तो क्या होना चाहिए कि हैलोजन्स शुड हैव क्या हाईएस्ट ईए इन अ पीरियड, और जब हम लोग टॉप से जाते हैं बॉटम तो क्या होता है आपका ये घटता है ना, मतलब क्या कि फ्लोरीन शुड हैव हाईए ईए, मतलब कि हम अगर ट्रेन से जाएं तो क्या, तो ये था ना कि इस तरफ क्या होता है इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ क्या था, यहाँ पे वो कर रहा था डिक्रीज, मतलब क्या कि फ्लोरीन शुड हैव, मतलब कि अगर हम ट्रेन से जाएं तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये किसका, फ्लोरीन का, लेकिन देखिए एक्चुअल में होता है किसका, एक्चुअल में ये आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन, एक्चुअल में आंसर आपका हो जाएगा क्लोरीन हैज हाईएस्ट ये इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द ट्रेंड इट शुड हैव फ्लोरीन, लेकिन होता कौन है, होता है कौन सा बोलिए, होता कौन है, होता है क्लोरीन। क्यों होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसका रीजन। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है इसका
रीजन देखिए क्या है, सीएल हैज हायर ईए देन फ्लोरीन, इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्या होता है कि साइज ऑफ क्या होता है, फ्लोरीन बहुत ही लेस होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो अभी क्या बोलते हैं वहां पे मैक्सिमम होता है क्या, रिपल्सन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बहुत छोटा कमरा है, उसमें 9 लोग पहले से रह रहे हैं, तो अगर 10वां लोग उसमें आना चाहता है तो क्या आप उसको आना आने दोगे? नहीं ना। इसलिए क्या होता है कि यही होगी ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, क्या होता है कि वो चाहता नहीं है कि बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन आए, तो इसलिए क्या होता है कि उसका लो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि वो आसानी से गेन करना चाहता नहीं है इलेक्ट्रॉन। सबको आया समझ में ना? यही होता है ड्यू टू सेम रीजन, इन ग्रुप 16 सल्फर हैज मोस्ट ईए देन ऑक्सीजन, फ्रॉम ट्रेंड ऑक्सीजन शुड हैव मोर ईए, लेकिन क्या होता है, होता किसका है ज्यादा, सल्फर का, क्योंकि ऑक्सीजन हैज लेस साइज। सबको समझ में आ गया ना? चलिए आप इसको कॉपी करो। देखिए तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। पहले समझिए होता क्या है। देखिए तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। अच्छा, मॉलिक्यूल के बारे में आपको बेसिक आइडिया तो होता है ना, कैसे होता है फॉर्म, तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये आपका ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सिर्फ ध्यान देना है ऑन द शेयरिंग वाले पे, कि शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है कि एटम का टेंडेंसी कि वो शेयर वाले जो क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, उनको अपनी तरफ खींचता है, जो खींचता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे देखिए मैं आपको समझाने के लिए, चलिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि ए और बी, या चलिए मानते हैं राम और श्याम, दो फ्रेंड थे, दोनों ने मिलके एक बिजनेस खोला, ठीक है ना, दोनों ने 50 रुपीज 50 रुपीज किया है इन्वेस्ट, दोनों ने 50 रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेस खोला, मतलब कि दोनों का इक्वल है इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उसमें क्या था कि राम ने रखा 70% और श्याम को दिया है 30%। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राम है बेईमान। राम क्या है, राम है बेईमान। देखिए सुनिए, क्या क्या था कि दोनों ने इक्वल किया इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो प्रॉफिट आया है ना वो ज़्यादा रख रहा है राम। क्यों? क्योंकि राम बेईमान है और श्याम उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि क्या है, श्याम उससे कमजोर है। तो यहाँ पे राम क्या है, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, मतलब क्या हुआ कि उसने जो फायदा था वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो ज्यादा फायदा खुद ले रहा है, मतलब कि राम हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिमिलर ये आपका होता है कि अगर आपके पास दो एटम थे ए और बी, दोनों ने शेयर किया वन वन, हाँ एक दिया इलेक्ट्रॉन ए ने, एक दिया इलेक्ट्रॉन बी ने, लेकिन क्या हुआ कि आफ्टर शेयरिंग ये जो ए था उसने इसको अपने करीब खींच लिया, तो हम बोलेंगे कि ए हैज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वही आपका होता है पक्का ना? चलिए देखिए ये जो आपका फैक्टर है, फैक्टर का नाम क्या है, सॉरी टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको मेजर करने के लिए एक स्केल है, और उस स्केल का नाम है पॉली स्केल। ये एक साइंटिस्ट का नाम था पॉली, उसने अपना स्केल बनाया था, उस पर हम लोग ये करते हैं मेजर। और जो आपके टॉप थ्री जो जो आपके एलिमेंट्स हैं इस पीरियोडिक टेबल में, उन जिनका ई एन वैल्यू क्या होता है, अच्छा देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ई एन, फॉर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो टॉप थ्री एलिमेंट्स जिनका हाइएस्ट होता है ई एन वैल्यू, देखिए उसमें सबसे पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, आप इसको फोन भी याद रख सकते हो, FON, फोन। तो फ्लोरीन का होता है हाइएस्ट 4, उसके बाद होता है ऑक्सीजन का 3.5, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन का 3। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रो निगेटिविटी। फिर से हमको वही पढ़ना है फैक्टर्स और इसका ट्रेंड, चलिए पढ़ते हैं फिर। चलिए तो यहाँ हमने लिखा है आपका फैक्टर्स, तो पहला है एटॉमिक साइज, तो क्या होता है कि ई एन वैल्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तब आप ये खुद से भी समझ सकते हो क्या होगा कि एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक एक मिनट, देखिए तो क्या होगा कि अगर एटॉमिक साइज होगा ज़्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कम, तब
तो उसका ई एन वैल्यू होगा कम, मतलब कि वो कम फोर्स से खींचेगा किसको, शेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को। तो मतलब कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा तो ई एन वैल्यू कम, ये हमने देख लिया। सेकंड क्या है आपका कि ई एन वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज, तो चार्ज न्यूक्लियस में जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फोर्स से वो खींच रहा होगा, तो ये आपका हो गया डायरेक्टली। अब देखिए क्या हुआ कि मूविंग डाउन द ग्रुप ई एन वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज करता है। आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका ई एन वैल्यू करता है डिक्रीज, ई एन डिक्रीजेज। और आप जब जाते हो मूविंग अक्रॉस द पीरियड, आपका ई एन वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। और मूविंग अक्रॉस द पीरियड हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट का, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपका जो इनर्ट गैस थे आपको उनको नहीं करना है इंक्लूड, इनर्ट गैसेज आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते ही नहीं, तो उनके लिए बात होगा ही नहीं पक्का। अब देखिए तो इस ट्रेंड से हम अगर जाएं तो मेटल्स हैव लो ई एन वैल्यू एंड नॉन मेटल्स हैव हाई ई एन वैल्यू एंड पक्का ना। चलिए अब मैं आपसे एक पूछता हूँ क्वेश्चन कि इन पीरियड टू नेम द एलिमेंट विच हैज हाइएस्ट ई एन वैल्यू, इन पीरियड टू नेम द एलिमेंट विच इज हाइएस्ट ई एन वैल्यू, बोलिए क्या होगा, फ्लोरीन। क्या होगा आपका, फ्लोरीन, क्योंकि इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका ई एन वैल्यू करता है इंक्रीज, आपको ये लास्ट वाले को नहीं करना है इंक्लूड, तो कौन हो जाएगा, तो इन पीरियड टू फ्लोरीन हैज हाइएस्ट ई एन वैल्यू, लिथियम हैज लीस्ट ई एन वैल्यू पक्का। ओके चलिए तो ये हमने इस चैप्टर का थ्योरी खत्म कर लिया है। आप एक बार अच्छे से, जो हमने इस पर 3 लेक्चर दिया आपको, आप एक बार सारा लेक्चर देखना पहले अच्छे से, उसके बाद आप एक बार अपना बुक भी कर देना रीड। अब हम लोग इस पे फाइनली 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टॉपिक, इस चैप्टर को हम लोग सुहा बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। देखिए तो हमने यहाँ पे कुछ लिए हैं क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये यहाँ, और यहाँ हमने 2 क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग एक बार सब लोग पहले क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से सॉल्व करो, फिर उसके बाद आंसर चेक करना, ठीक है। तो मैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए तो सबने सॉल्व किया, बोलिए। चलिए तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, देखिए तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और यहाँ पे आपका इस पे आपका चार्ज है निगेटिव, आई माइनस दिया है, और ये आपका है सी एल क्लोरीन। तो ध्यान से देखिए, तो सी एल ब्रोमीन एन आपका कौन सा था, ये आपका थर्ड में है, आपका थर्ड में आपका दिया है। देखिए तो ये सी एल बी आर एन आई दे ऑल लाई इन द सेम ग्रुप ना, एंड टॉप टू डाउन क्या होता है आपका, एटॉमिक साइज करता है इंक्रीज, एटॉमिक साइज क्या करता है इंक्रीज, मतलब कि सबसे साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा साइज होगा किसका, आई का, फिर होगा बी आर का, फिर होगा सी एल का। लेकिन देखिए तो मेरे पास ऑप्शन में क्या था, आई माइनस भी था, और हमको पता है कि क्या, कि हमेशा अगर किसी पे माइनस चार्ज है तो उसका क्या होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है देन द न्यूट्रल एटम, मतलब कि लिथियम आयन हैज मोर साइज देन न्यूट्रल एटम ना, तो क्या होगा कि आई माइनस का साइज होगा ज़्यादा देन आई। तो यहाँ से क्या निकला, ट्रेंड मिला कि आई माइनस हैज लार्जेस्ट साइज ना, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। सबका आंसर आया था 3। चलिए ठीक है, देखिए उसके बाद मेरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि ये हमको देखिए तो यह है बेरिलियम, लिथियम, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और बोला क्या है, इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। तो ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने लिए हैं आपके जो भी क्या है कि नंबर 2 में एलिमेंट्स है, दे ऑल बिलोंग टू सेम पीरियड, दे ऑल बिलोंग टू सेम पीरियड, और हमको बोला क्या, हमको करना है अरेंज इन इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, मतलब क्या होगा, पहले होगा सबसे कम जो होगा मेटालिक, और बाद में जो होगा वो सबसे ज़्यादा वाला मेटालिक, नहीं ना। देखिए तो ये हैं एलिमेंट सारे पीरियड टू के, तो हमको हम क्या जानते हैं कि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है आपका, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, यही होता है ना, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, मतलब कि राइट साइड में जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी जो होगा लेफ्ट साइड में वो होगा सबसे ज़्यादा मेटालिक, यही ना, मतलब क्या कि लिथियम इज सबसे ज़्यादा मेटालिक एंड फ्लोरीन इज सबसे कम मेटालिक। तो हमको करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले होगा सबसे कम जो होगा मेटालिक, तो देखिए हमने लिखा एफ, फिर कौन होगा बोलिए, ऑक्सीजन, फिर होगा नाइट्रोजन, फिर कौन होगा बोलिए, कार्बन, फिर कौन सा होगा बोरॉन, फिर कौन सा होगा बेरिलियम, फिर
फिर कौन सा होगा, लिथियम। तो ये आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक में कर लिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर इन मेटालिक कैरेक्टर, पक्का ना? चलिए अब आप आते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन डिक्रीजिंग नॉन मेटालिक कैरेक्टर, देखिए यहाँ बात कर रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और वो भी बोल रहा है डिक्रीजिंग, मतलब कि सबसे पहले वो होगा जो सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक है, जो क्या होगा सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक ना, एंड इन अ। और देखिए तो फिर से क्या है कि ये जो सारे एलिमेंट कहाँ हैं, वो सारे हैं पीरियड थ्री के, तो इन अ पीरियड हम जब जाते हैं कहाँ से लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर करता है इंक्रीज, मतलब क्या होगा कि Cl इज सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक, फिर आपका कौन सा होगा बोलिए, फिर आपका हो जाएगा सल्फर, फिर आपका आएगा फास्फोरस, फिर आपका आएगा सिलिकॉन, फिर आपका आएगा एलुमिनियम, फिर मैग्नीशियम, और लास्ट में आपका आ जाएगा सोडियम, मतलब कि Cl इज मोस्ट नॉन मेटालिक, पक्का? ये आपका हो गया है, ये हमने जो किया है वो आपका है, देखिए इस तरफ आपका जाएगा इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक, इंक्रीजिंग नॉन मेटालिक, सबको आया समझ में ना? तो ये आपका हो गया आंसर। हमने यहाँ तीन क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि तीनों क्वेश्चन में हमको करना है, हमको ये जो मेरे एलिमेंट्स दिए हैं उनको मेरे को करना है ये अरेंज, और हमको कैसे करना है वो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने लिया है सोडियम पोटेशियम और आपका, फिर हमने लिया है क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, और इसको करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए हम यहाँ करते हैं सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे पहले वो लेना है जिसका सबसे कम हो आईपी, पक्का ना? अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे सोडियम और ये आपके कौन से, ये जो हैं क्लोरीन, सल्फर और सिलिकॉन, दे बिलोंग टू सेम पीरियड, मतलब कि हम इनको कर सकते हैं खुद से अरेंज, पक्का ना? और हम जानते हैं कि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होता है आपका, आईपी इंक्रीज करता है, क्या होता है आईपी करता है इंक्रीज, मतलब कि सोडियम का सबसे कम होगा आईपी, सोडियम का सबसे कम होगा आईपी, फिर किसका होगा, फिर होगा बोलिए, फिर आपका हो जाएगा सिलिकॉन का, फिर आपका हो जाएगा किसका, सल्फर का, और फिर आपका हो जाएगा सीएल का, यही ना? मतलब ये हो गया, इनके बीच हमने ये शो कर दिया कि क्या आने वाला है पक्का रिलेशन। अब देखिए अब मेरा यहाँ बच गया है पोटेशियम, अब देखिए क्या कि अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, तो हमने क्या चेक कर लिया कि सोडियम का क्या है कि इन चारों में से सोडियम का सबसे कम है आईपी। अब ध्यान से देखिए तो सोडियम एंड पोटेशियम दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, एंड डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपका आईपी करता है डिक्रीज, मतलब कि पोटेशियम हैज लेस आईपी देन सोडियम, पक्का ना? तो क्या होगा सबसे कम हो जाएगा किसका, पोटेशियम का। तो देखिए ये आपका हो गया ऑर्डर, या ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी। तो ये आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो आपका आंसर हमने बता दिया, अब सब लोग वीडियो को पॉज करो और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, उसके बाद आप लोग आंसर चेक करना, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, हमने लिया है Cl और F, Br और I, और हमको करना है अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और देखिए तो क्या है कि दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, पक्का ना? दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, एंड कौन सा ग्रुप, 17 ग्रुप ना, और हमको पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, डाउन द ग्रुप Ea डिक्रीजेज, डाउन द ग्रुप Ea करता है डिक्रीज, और आपको यहाँ पे लिखना है इंक्रीजिंग ईए के टर्म में, मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको लेना होगा कम वाला, पक्का? देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले होगा कम, सबसे कम किसका है आई का, फिर आपका आ जाएगा बीआर का, फिर आपका आ जाएगा किसका सीएल का, फिर आपका आ जाएगा एफ का, यही ना? क्या ये आंसर सही है, आप लोग सोचो क्या मेरा आंसर सही है? नहीं, ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि देखिए ये होना चाहिए ट्रेंड से कि डाउन द ग्रुप आपका क्या होता है, ये डिक्रीज करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अप द ग्रुप ये क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो ट्रेंड से ये आया, लेकिन हमने क्या सीखा है कि Cl हैज मोर ये देन बोलिए एफ, ज्यादा है ना, ड्यू टू लो ए स्मॉलर साइज ऑफ एफ इट हैज लो ये देन Cl, पक्का ना? मतलब क्या होगा कि आपका जो सही आंसर क्या आएगा बोलिए, आपका जो सही आंसर आने वाला क्या, कि सबसे ज्यादा किसका होगा Cl का, फिर आपका होगा फ्लोरीन का, फिर आपका Br, फिर आपका आयोडीन, तो ये आपका सही आंसर हो गया, पक्का? सबको समझ में आया ना? वेरी गुड। चलिए अब करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड वाला है।
देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में हमको लिया है कैल्शियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और हमको लिया है रुबिडियम। दे बिलोंग टू सेम ग्रुप, देखो आप, दे बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप ना, ये क्या होता है, ये करते हैं बिलोंग फर्स्ट ग्रुप में। और हमसे यहाँ क्या बात किया, हमसे यहाँ बात किया है डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप क्या होता है आपका, ई एन करता है डिक्रीज, क्या होता है डाउन द ग्रुप ई एन वैल्यू करता है डिक्रीज, पक्का ना। और हमको यहाँ पे करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, मतलब कि सबसे पहले कौन सा होगा जिसका ई एन वैल्यू सबसे होगा ज़्यादा, मतलब जो क्या होगा जो आपके ग्रुप में टॉप पे है। तो मतलब सबसे पहले आपका आने वाला है लिथियम, फिर आएगा बोलिए सोडियम, फिर आपका आएगा पोटेशियम, फिर आपका आएगा रुबिडियम और लास्ट में आएगा कैल्शियम, पक्का। तो ये आपका हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो सॉरी 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 यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ओ मिस्टेक हो, कैसे होगा ना, सबसे ज़्यादा लिथियम, फिर आपका सोडियम, फिर आपका पोटेशियम, फिर आपका रुबिडियम, फिर आपका हो गया कैल्शियम। तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका ई एन वैल्यू, और इस तरफ क्या था, इस तरफ ई एन आपका इंक्रीज कर रहा था, पक्का ना। मतलब कि आप जब लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा आपका ई एन वैल्यू करेगा डिक्रीज, सबसे पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू वाला यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है। सबको आया ना समझ में, बोलो सब कोई को समझ में आया क्वेश्चंस कैसे करना है ना। देखिए तो हम लोग ये आपका अपना जो पहला चैप्टर था वो हो गया है स्वाहा, पक्का। चलिए तो सबको समझ में आया ना, ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लेना, और जो भी आप कोशिश करना कि आपका जो 10 ईयर्स से जो क्वेश्चन आए हैं वो आप मेनली करना प्रैक्टिस, अपने बुक से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर, नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना, चलो बाय।